इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम कल तक ठीक हो जाएगा यार हर चीज के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है चिल आई थिंक वी हेयर अबाउट दीज लाइंस वे टू ऑफन ऑन डे टू डे बेसिस बचपन से हम सीखते आए हेल्थ इज वेल्थ बट हम कितना अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं मोर ऑफन द नॉट कोई भी सिम्टम आता है हम इस होप में बैठते हैं कि कल तक ठीक हो जाएगा बट इज दिस द राइट अप्रोच ऑफकोर्स नॉट आई एवरी वन माई नेम इज़ वैभव गर्ग एंड आई एम योर होस्ट फॉर दिस वंडरफुल वीडियो सीरीज जिस पर हम सिर्फ हेल्थ पर चर्चा करेंगे एंड आपके साथ रियल लाइफ पेशेंट की केस स्टडी शेयर करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वाई वी आर डूइंग दिस केस स्टडी सीरीज एंड इससे आपको क्या फायदा हो सकता है इन टूडेज एज एंड टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ ऑल का डेली बेसिस बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये सिम्टम छोटे छोटे होते हुए इतनी बड़ी प्रॉब्लम में बन जाते हैं कि हमें इवेंचुअली तब पता लगता है जब बीमारी आउट ऑफ हैंड हो जाती है सो so, इस केस स्टडी सीरीज से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि एक आप डिफरेंट डिजीजेज और उनके सिम्टम्स को समझ पाएंगे और दूसरा अगर मल्टीपल डिजीजेज हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं आज हम एक केस स्टडी लेने जा रहे हैं जिसमें इस जने को बहुत सिंपल कॉमन सिम्टम जिसको हम बोलते थे बट उनकी डेली लाइफ स्टाइल अफेक्ट हो रही थी आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार रिनाउंड एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट इंडिया के जो इस केस स्टडी पर हमारे साथ चर्चा करेंगे लेट अस फाइंड आउट कि क्या था ये केस आई आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार टूडे विल गो इन टू क्लिनिकल केस तो इस क्लिनिकल केस को लेट्स डिस्कस 50 ईयर ओल्ड हाउस वाइफ ये हमारी ओ में आते हैं और इनकी मेन कंप्लेंट होती है वेट गेन विदाउट एनी रीजन्स फॉर द लास्ट सिक्स मंथ्स इन्होंने 10 केजीज वेट गेन किया है और इनकी कंप्लेंट से फिटीक बहुत जल्दी थकावट हो जाती है जो पहले नहीं होती थी नेक्स्ट कंप्लेंट इज हेयर फॉल नेक्स्ट कंप्लेंट इज़ कॉन्स्टिपेशन और ये बताते हैं कि इनको ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और इनके हस्बैंड की कंप्लेंट है कि आ, इनकी वॉइस बड़ी डीप हो गई है हॉर्स हो गई है भारी हो गई है एज वेल एज़ बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि इनकी मदर की मेमोरी लॉस हो रही है उनकी चीज़ें ये भूल जाती हैं समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर रखी हुई हैं तो ये इनकी मेन कंप्लेंट्स हैं पास मेडिकल हिस्ट्री में कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है कोई इनको डायबिटीज़ नहीं है कोई ब्लड प्रेशर नहीं है जो प्रेजेंट मेडिसन्स ये ले रहे हैं वो है मल्टी इनके जनरल फिजिशियन ने इनको स्टार्ट करी हैं फॉर हेयर फॉल फॉर फटीक एंड मेमोरी लॉस लेकिन फिर भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो अभी तक आपने देखा कि कैसे ये 50 ईयर ओल्ड फीमेल पिछले छह महीने से सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही थी एज के साथ ऐसे कई सिम्टम्स आ जाते हैं बट वी मस्ट नॉट इग्नोर एंड ब्लेम द एज फैक्टर फॉर दि सिम्टम इनकी और इनकी फैमिली ने काफी समझदारी की डॉक्टर को विजिट करके सो लेट्स फाइंड आउट वॉट द डॉक्टर है क्या थी वो वजह वज़ा जिसकी वजह से ये सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस कर रही थी अब ये पेशेंट को हम जब एग्जामिन करते हैं क्लिनिकली तो हमें देखने को मिलता है कि इनका फेस पे पफिनेस है फेस में स्वेलिंग है आइज के अराउंड यूजली पफिनेस हो गई है इनका हीमोग्लोबिन लो है एक पैलर साइन होता है वो इनका हमें दिख रहा है बीपी जब हमने चेक किया तो बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था इनका 150 फिफ्टी बाई हंड्रेड अब इनके और एग्जामिनेशन में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चेस्ट एग्जामिनेशन ये सब क्लियर आते हैं और जब हम इनका थायराइड को पैल्पेट करते हैं ग्लैंड को तो थोड़ा सा थायराइड बढ़ा हुआ आता है अब इस बेसिस पे हमें कुछ चीज़ें सस्पेक्ट होती हैं कि पेशेंट को पैलर है यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है फेशियल पफिनेस है और थोड़ा सा थारॉयड इनका इलाज है तो हमने इनके इन्वेस्टिगेशन से एडवाइज़ किए और किस वजह से इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए वो भी जानना जरूरी है हमने इनको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया सी बी सी कम्प्लीट ब्लड काउंट जिसमें हीमोग्लोबिन आता है क्योंकि इनकी कंप्लेंट थी थकावट लो हीमोग्लोबिन से थकावट होती है लो हीमोग्लोबिन या आयरन से हेयर फॉल भी होता है एज वेल एज मेमरी लॉस भी होता है फिर हमने इनका टेस्ट एडवाइस किया प्लाज्मा ग्लूकोज का क्योंकि इनकी कंप्लेंट वेट गेन की भी थी इसीलिए हमने इनको एक फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एडवाइस किया है एज वेल एज हमने इनको एक थायराइड प्रोफाइल भी एडवाइस किया जिसे हम कहते हैं टी एस एच थारॉयड स्टमुलेटिंग हारमोन एंड ऑफ कोर्स मेमोरी लॉस के लिए विटामिन बी ट्वेल्व लेवल्स भी हमने इनको एडवाइस किए कभी आपने सोचा कि इनकी थकावट सडन हेयरफॉल और मेमोरी लॉस के पीछे लो हीमोग्लोबिन का कारण हो सकता है इनका सडन वेट गेन होना मतलब डॉक्टर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोस एंड थायराइड प्रोफाइल चेक करवाना चाहते हैं नाउ कैन यू अंडरस्टैंड हाउ दिस सो कॉल्ड वेरी कॉमन सिम्टम्स नीड टू बी टेकन सीरियसली चलिए देखते हैं इनके टेस्ट रिजल्ट क्या आए अब अब इसके बाद ये हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं अपने इन टेस्ट रिपोर्ट में पता चलता है इनका हीमोग्लोबिन कम है हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंट है तो इससे एक्सप्लेन होता है कि इनका जो फटीग हो रहा था थकावट हो रही थी हेयर फॉल हो रहा था वो लो हीमोग्लोबिन की वजह से भी हो सकता है प्लाज्मा ग्लूकोज वो बिल्कुल नॉर्मल आया इनका 80 मिलीग्राम पर डेसी है विच इज़ एब्सोल्युटली विद इन द नॉर्मल रेंज नॉर्मल रेंज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की लेस देन 100 होती है अब तीसरा टेस्ट जो हमने देखा इनका वो था बी ट्वेल्व का बी ट्वेल्व इनका नॉर्मल था क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मल्टीविटाम्स शुरू कर दिए थे थायराइड के टेस्ट को जब हमने रीड किया तो थायराइड में हमें टी एस एच इनका इंक्रीज मिला थारॉयड स्टमुलेटिंग हार्मोन जो है नॉर्मली पॉइंट थ्री से फाइव के अराउंड होता है जो लैब्स हमें रेंज देती हैं और इनका थायराइड आया ट्वेल्व तो यानी कि ये डबल से भी ज़्यादा इनका बढ़ा हुआ था टी एस एच वॉज वेरी हाई अब इस वैल्यू के बेसिस पे हमने इनको फर्दर टेस्ट एडवाइस किया क्योंकि एक सिंगल वैल्यू पे हम कभी भी थायराइड की डोज या थायराइड रिप्लेसमेंट नहीं स्टार्ट करते हैं हम उसको कंफर्म करते हैं तो हमने इनको पूरे प्रोफाइल के लिए बताया फ्री टी थ्री फ्री टी फोर दोबारा से टी एस एच रिपीट कराया और एक थायराइड एंटीबॉडी भी हमने इनको एडवाइस करी जिसे हम कहते हैं एंटी टी पी ओ आफ्टर टू डेज जब पेशेंट दोबारा ये रिपोर्ट्स लेके तो टी एस एच लगभग उसी रेंज में था टी थ्री और टी फोर लो थे लो का मतलब है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है इनको जिसमें कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है टी थ्री टी फोर आर द था थायरॉयड हार्मोन्स और अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो टी एस एच बढ़ जाता है एंटी टी पी ओ विच इज एंटीबॉडी ऑफ थायरॉयड वो इनका काफ़ी ग्रॉसली बढ़ा हुआ मिला इससे हमें पता चल गया कि इनको ऑटो इम्यून थायराइड की प्रॉब्लम है जिसे कि पॉपुलरली हम जानते हैं तो फाइनली ये डिटेक्ट हुआ है कि इनको हाइपोथाइरोडिज्म है जिसकी वजह से बॉडी में थायरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है एंड एज अ रिजल्ट बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है एंड एंटी टीपीओ टेस्ट करने से ये पता लगा कि इनको हैशीमोटोज थायरोडाइडिटिस भी है

डेढ़ महीने बाद दोबारा रिकॉल किया दोबारा फॉलोअप में बुलाया कि आपने दोबारा से टी एस एच का टेस्ट कराना है ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर जो डोज हमने शुरू करी है वो आपके लिए कितनी सूटेबल है उसको हमने कम करना है या डोज को बढ़ाना है डेढ़ महीने बाद जब पेशेंट आए तो हमने उनके सिम्टम्स पूछे और सिम्टम्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था उनको जो थकावट हो रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट आया उनको जो उन्हें ठंड ज़्यादा लगती थी उसमें इम्प्रूवमेंट आया और एनर्जी लेवल डेफिनेटली वो बताते हैं कि बेहतर हैं पहले से अब हमने उनका जब टी देखा तो टी उनका फोर आ गया यानी कि वो काफ़ी नॉर्मल रेंज में आ गया इसके बाद हमने उनको सेम डोज पे कंटिन्यू किया और बताया कि अब उनको थ्री मंथ्स के बाद फॉलोअप करना है आफ्टर थ्री मंथ्स सिम्टम्स में और अच्छा इम्प्रूवमेंट आया उन्होंने थ्री के वेट लूज किया और वो काफ़ी एक्टिव फील कर रहे थे मेमोरी भी उनकी शार्प हो रही थी फॉगीनेस उनकी कम हो रही थी और काफ़ी बेहतर बता रहे थे वो तो हमने दोबारा से थायराइड जब देखा तो अब थायराइड उनका टू आ गया टी एस एच वैल्यू वाज टू प, पेशेंट वाज परफेक्टली फाइन वी कंटिन्यू विद द सेम डोज यानी कि ये हमने डायग्नोज किया एक हैशीमेटोज थायरोडाइटिस यानी कि हाइपोथरॉयडिज़म इसका इलाज बिल्कुल संभव है और इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं ऑलमोस्ट हर सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट मिलता है तो अगर कभी आपको इस तरीके के सिम्टम मिले तो जरूर अपने फिजिशियन को दिखाइए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए ताकि आपके लिए जो है अप्रोप्रिएट टेस्ट जो जो आपको कंप्लेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो एडवाइस कर पाए और आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए तो वीडियो के इस पार्ट से ये समझ आया कि हाइपोथाडिज्म कैसे ट्रीट किया जा सकता है As you can see, with the right diagnosis and treatment, hypothyroidism can be a thing of the past. आपको सिर्फ एक चीज करनी है वॉच आउट फॉर द सिम्टम्स कभी भी कुछ लगे गड़बड़ हो रहा है सिमिलर सिम्टम्स एक्सपीरियंस अगर कर रहे हैं विजिट योर डॉक्टर एंड गेट एक्सपर्ट एडवाइस कीप गेटिंग योर हेल्थ चेकअप्स डन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आपको डॉक्टर ने कई ऐसे टेस्ट के बारे में बताया जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी